नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये सोचते हैं कि क्या वो अपना करियर स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो या तो 12th पास करके निकले हैं या वो कॉलेज में चले गए हैं और फिर सोचते हैं कि मैं नौकरी करूं या अपना कोई व्यवसाय करूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एक ट्रेडर तो बन ही सकते हैं, साथ में इसको एक व्यवसाय की तरह, एक जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं। अगर आप ब्रोकर, सब ब्रोकर बनना चाहें तो वो बन सकते हैं, अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, लोगों को अपने पास रिक्रूट कर सकते हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह भी शुरुआत कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरी इकॉनमी घूमती है। दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि शेयर बाजार इकॉनमी का आईना नहीं है, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, जी हाँ, स्टॉक मार्केट इकॉनमी का आईना है। कैसे है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब कोई कंपनी बहुत सस्ते दाम पे मिल रही होती है, इन्फ्लेशन गिरी होती है, तो उसका भाव बढ़ने लगता है, उसमें बायर्स आ जाते हैं, बाजार तेज होने लगता है, तो हमें लगता है कि इकोनॉमी ने ग्रोथ स्टार्ट की। क्यों ऐसा लगता है हमें? जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है वो है कौन? ये सारी वो कंपनी है देश की जो बहुत सारे बिजनेसेस करती हैं। देखिए, चलिए हम बिजनेस का नाम लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम पेट्रोलियम के बिजनेस करें तो उसका व्यापार करने वाली कंपनीज हैं BPCL है, IOC है, ONGC है, रिलायंस पेट्रोलियम है। अगर आप टोबैको प्रोडक्ट्स की बात करें तो ITC है। अगर आप कपड़ा बनाने वाली कंपनीज की बात करते हैं, अरविंद मिल्स हैं। अगर आप F&B बिजनेस की बात करते हैं तो वो कंपनीज हैं। अगर आप FMCG प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हिंदुस्तान है, ITC है, विप्रो है, बहुत सारी कंपनीज हैं। दोस्तों, यहाँ पे सारी वो कंपनी है जो दुनिया का सारा व्यापार करती है, देश दुनिया में व्यापार करती है, वो लिस्टेड है। तो अगर वो कंपनी अच्छा करेंगी तो डिविडेंड पे करेंगी। आपने सुना ही होगा कि डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो डिविडेंड पे करेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर में डिविडेंड पे होता है, कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो आपको जानना बहुत आसान है, स्टॉक मार्केट का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम हमारे साथ पता क्या है कि जब हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, तो हमें कोई भी रिस्क लेना नहीं सिखाता। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी हिंदुस्तानी एजुकेशन के अंदर। मैं इंडियन एजुकेशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट मैं कमी जताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी पेरेंट अपने स्टूडेंट को ये बताने की कोशिश नहीं करता कि स्टॉक मार्केट भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये वो बिजनेस हो सकता है जो किसी ने नहीं सोचा। आप सोच के देखिए, वॉरेन बफे क्यों है? वो स्टूडेंट होते, अगर स्टूडेंट की एज में उन्होंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया होता तो उनको कोई छू नहीं सकता था आज। वॉरेन बफे ने एक एज में आके स्टॉक मार्केट की शुरुआत की, राकेश झुंझुनवाला ने एक एज में आके शुरुआत की। दोस्तों, पर ऐसे लोग भी होंगे दुनिया में जो दुनिया के सामने नहीं है, बट दे आर एक्सीलेंट ट्रेडर्स, दे आर एक्सीलेंट इन्वेस्टर्स, दे मस्ट हैव मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दी स्टॉक मार्केट्स। उन लोगों ने क्या किया होगा? उन्होंने अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया होगा। 90% लोग किस पे ध्यान देते हैं? अर्निंग पे। मैं शर्त लगा सकता हूं आपके साथ में कि आप बताइए कि आपके आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी, वो क्या सोचते हैं? वो सीधा कमाना सोचते हैं, एजुकेशन पूरी हो जाए, क्वालिफिकेशन पूरी हो जाए, उसके बाद जॉब कहाँ मिलेगी? मेरा फोकस ITC होती है, पर ITC में जॉब करना होता है। मेरा फोकस इंफोसिस होता है, बट इंफोसिस में जॉब करना होता है। दोस्तों, हमने कभी सोचा कि मैं इंफोसिस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकता, इंफोसिस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आज करनी सीखूं और अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊं और अगर मुझे ट्रेडिंग की बारीकी समझ में आ जाए और मुझे एक अच्छी ट्रेडिंग करनी आ जाए, तो शायद मैं जिंदगी भर नौकरी करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, उनको किसी जॉब की जरूरत नहीं होती। वो 9 से 3 में काम करते हैं, 9 से 3 कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, शाम को बैठ के डेटा स्टडी करते हैं, अपने डेटा स्टडी, अपनी एनालिसिस का अगले दिन होने वाली हलचल के साथ मैच करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर एक इन्वेस्टर भी होता है और वो ट्रेडर भी होता है। बट जो सिर्फ ट्रेडिंग की सोचता है, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को तलाश नहीं पाता है। तो आपको करना क्या है? आपको एक अकाउंट खोलना होगा। अकाउंट खोलना चाहते हैं तो अकाउंट खोलिए। अगर आपका पैन कार्ड बन गया है, आप पैन कार्ड की एज में हैं, आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया, जाइए पहले पैन कार्ड बनवाइए। पैन कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड आपका बन गया होगा, KYC कीजिए, अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलना चाहते हैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी एंजल ब्रोकिंग के साथ में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और 2 से 3 दिन के अंदर में आपका अकाउंट खुल जाएगा। चलिए, पहला स्टेप तो आप उठा लेंगे अकाउंट खोलने का। उसके बाद करना क्या है? उसके बाद आपको स्टडी करना है। आप देखिए कि हर्षद मेहता ने क्या किया, आप सुनिए पढ़िए कि केतन पारिक ने क्या किया। दोस्तों, वो टाइम चला गया जब हर्षद मेहता और केतन पारिक थे। आज की डेट में भी फ्रॉड होते होंगे, आज की डेट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट सेबी का कॉम्प्लायंस आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, NSE बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, सेबी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, जो कॉम्प्लायंस के ऊपर ध्यान देती है, आज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनता है, उसमें से 60 से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कमाने वाले लोग हैं, जो एडल्ट हैं, उसमें से खाली 3 से 4% लोग ही स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं। उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों का टर्नओवर डेली होता है।
लाखों करोड़ों का, सोच के देखिए। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जब भी दुनिया में कोई घटना होती है सबसे पहले उसका असर स्टॉक मार्केट में आता है? अगर कोई ख़राब घटना होती है, कोई आतंकवादी घटना होती है, कोई लड़ाई छिड़ जाती है, कोई सेंटीमेंट बिगड़ जाते हैं, सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, लोग वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। और जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कोई गवर्नमेंट आपकी फेवरेट गवर्नमेंट बन जाती है, आपको लगता है बहुत सारा कोई पैकेज आ गया, शानदार इकोनॉमी बूस्टर चीज़ें मिलने लगी, तो एकदम से स्टॉक मार्केट भागने लगती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी बिल्कुल पैरेलली रिलेटेड हैं, इनका चोली दामन का रिश्ता है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्टॉक मार्केट अपने आप में आईना है। आपको मैं शर्त लगा सकता हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक इसको नहीं देखा इस एंगल से, तो आप देखिए किसी भी बड़ी न्यूज वाले दिन में स्टॉक मार्केट में उछाल जरूर आया होगा या उसमें बड़ी गिरावट जरूर आई होगी। दोस्तों ऐसी इकोनॉमी के आईने से आप कैसे दूर रह सकते हैं? मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं कि सर मैं स्टूडेंट हूं, क्या मैं स्टॉक मार्केट कर सकता हूं? सर क्या मुझे जिंदगी भर जॉब करनी पड़ेगी? मैं अच्छी जॉब कैसे मिलेगी? क्या मेरी कभी सैलरी 1 लाख रुपए हो सकती है? दोस्तों आप सोच के देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा सा पैसा लगाते हैं और एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं पूरे डिसिप्लिन के साथ में, कोट कर रहा हूं वापस से इस बात को, पूरे डिसिप्लिन के साथ में एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं मेहनत करने के बाद में, लर्निंग करने के बाद में, तो आप रोज के 1,000, 2,000, 5,000 रुपए जितना आप चाहें, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना इस मार्केट से निकाल सकते हैं। लॉसेस भी होते हैं फॉर श्योर, जिसके लिए स्टॉप लॉस बनाया गया है। यू हैव टू स्टॉप योर लॉसेस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस एक ऐसी टेक्निक है, एक तरीका है या एक डिसिप्लिन है, जहां पे जब आपको लगता है कि आपका ट्रेड गलत हो गया, आपकी एंट्री गलत होगी, आपको रुकना चाहिए, लॉस बुक करके बाहर आना चाहिए। दोस्तों लॉसेस जिंदगी में भी होते हैं, खराब डिसीजन जिंदगी में भी होते हैं, आपकी जॉब खराब भी हो सकती है, जिस जॉब में आपने बहुत सारी उम्मीद लगा रखी थी, हो सकता है आपका बॉस खराब निकले, आपकी कंपनी खराब निकले, आपको दूर से वो कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी पर अंदर जाके कंपनी की हकीकत कुछ और हो और आप उसमें कभी भी जॉब करना ना चाहें। ऐसे ही कभी कभी आपके बैड डिसीजन एक बेकार शेयर खरीद के भी हो सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं आपको, आप एक स्टूडेंट हैं, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, अगर आप इस एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, आज से ही पढ़ने पर ध्यान लगाते हैं, आज से ही स्टॉक मार्केट की बारीकी को सीखते हैं, आज से ही टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझना स्टार्ट करते हैं, देखिए, जाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। इस एज में अगर आप 18, 19, 20 की एज में स्टॉक मार्केट में अगर कामयाब हो गए तो दोस्तों जिंदगी भर किसी की नौकरी करनी नहीं पड़ेगी। और नौकरी करनी क्यों है? नौकरी का मतलब है नौकरी। मैं हमेशा कहता हूं देयर इज नो करियर इन दिस नौकरी। सो इफ यू वांट टू बी अ नौकर तो नौकरी मिलेगी, अगर इफ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए। स्टॉक मार्केट इज अनदर नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बात बताइए, जितने भी होलसेलर होते हैं दे इन्वेस्ट, होलसेलर्स इन्वेस्ट करते हैं, पूरा माल प्रोक्योर करते हैं, देन दे स्टार्ट ट्रेडिंग, तो जो इन्वेस्टर है वो ट्रेडर ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, उसको होना ही चाहिए। अगर एक होलसेलर के पास में होलसेल के क्लाइंट्स हैं, होलसेलर अपने वेंडर्स को माल बेच देगा, फिर दोबारा से माल प्रोक्योर करेगा, फिर वेंडर्स को माल बेचेगा, बट अगर उसके सामने महंगे दाम में खरीदने वाला रिटेलर आएगा, क्या वो नहीं देगा? दोस्तों जितने भी होलसेल मार्केट्स हैं, अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के सदर बाजार में चले जाइए, हर जगह में होलसेल मार्केट्स होती हैं, तो साथ में उनके रिटेल काउंटर्स भी होते हैं, वो रिटेलर्स को मना नहीं करते, वो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। आप बिल्कुल सही समय पे हैं, आपकी एज परफेक्ट है, आने वाला टाइम कैसा भी हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, हो सकता है आपको नौकरी मिले ही ना, तो इतने बड़े देश में जॉब्स का अकाल तो पड़ने ही वाला है। COVID-19 ने पूरे देश को हिला दिया है और आने वाले समय में पूरी पॉसिबिलिटी है कि जॉब्स का क्रंच हो, जॉब्स की दिक्कत आए, जॉब्स मिलने में मुश्किल हो। और एक पुरानी कहावत है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन या किसी को आसमां नहीं मिलता। दोस्तों अगर वो जमीन और आसमां आपके मुताबिक नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? तो उस समय अगर जॉब छोड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ना छोड़ पाए, उस समय हो सकता है फैमिली आपके सर पे हो, आपके 2 बच्चे हो गए हों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ गई हों कि आप कभी जॉब छोड़ने की ना कोशिश कर पाए, या आप ऐसे परिवार से हो जहां आपको कोई सपोर्ट भी ना करे आपके डिसीजन मेकिंग में, या आप ऐसे परिवार से हो या आप ऐसी सराउंडिंग से हो जहां आपको कोई गाइड भी ना कर पाए, तो आज से अपने गाइड खुद बनिए। स्टॉक मार्केट एक बेहद शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसको सीखने में समय लगाइए, इसको सीखिए। अपना अकाउंट खोलना सबसे नंबर वन है, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट इनिशियल स्टेप है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। छोटी मोटी पॉकेट मनी तो आपको मिलती होगी, 5,000, 10,000, 2,000 कितने भी रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसने कहा कि आपको 5 लाख रुपए चाहिए? आप 1,000, 2,000 रुपए भी डाल सकते हैं, उससे भी इस ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। दोस्तों एक एक शेयर में काम कीजिए ना, 5-5 शेयर में काम कीजिए, 10-10 शेयर में काम कीजिए, जितनी आपकी पॉकेट मनी है उसके हिसाब से आप काम करने की कोशिश कीजिए, पर उससे पहले इसको सीखना पड़ेगा।
समझना पड़ेगा, अच्छे से इसमें डूबना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, कोई भी बिजनेस अगर आप 6 महीने साल भर सीख के कर लेते हैं तो आप शायद बिजनेस में आपके लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे ही अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपने 4-6 महीने साल भर अगर लगा दिया तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको कोई हरा नहीं सकता। और स्टॉक मार्केट इतना ब्यूटीफुल गेम है, इसमें आप डेली पैसा बना सकते हैं, जी हाँ मंथली बेसिस पे पैसा बना सकते हैं, आप ईयरली बेसिस पे बैंक से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट देता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना आप सभी स्टूडेंट्स को कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां बैंक्स में साल में 6% की रिटर्न आती है, यहां पे डेली 6% की रिटर्न आती है बहुत सारे स्टॉक्स में। स्टॉक सिलेक्शन करना आना चाहिए, आपने अकाउंट खोला, स्टडी कीजिए, स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, डेटा एनालिसिस सीखिए, कौन कौन सी न्यूज है इस पर इंपैक्ट डालती है। अगर आप ये समझने में कामयाब हो गए तो आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं इस स्टेटमेंट को कहना चाहूंगा कि यस, स्टॉक मार्केट इज एब्सोल्युटली मेड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली, बजाय कि बाद में 40 साल की उम्र में सोचेंगे कि अब मैंने 2 पैसे कमा लिए हैं, अब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं। ऐसा नहीं है, पहले सीख लीजिए, तो जैसे ही पहली कमाई स्टार्ट होगी आप डे वन से इन्वेस्टर या डे वन से ट्रेडर होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितने सवाल आपने मुझे दिए थे उनका आंसर मैं कर पाया हूं और शायद ये समझा पाने में आपको कामयाब हुआ हूँ कि हाँ स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स के लिए भी बनी है। सो स्टार्टेड एज मच पॉसिबल, दिस इज द राइट टाइम। जय हिंद।